कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ कि आप अपने बिजनेस की शुरुआत ओलिफ्लेम के साथ कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए मैं आपके साथ 5 टिप्स शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी बिजनेस में जब अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है तो वो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने बिजनेस को शुरू करता है। उसकी अप्रोच ये होती है कि वो हमेशा इस बिजनेस को रन करेगा, ये बिजनेस उसकी जनरेशन के लिए है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो ये सोचे कि एक साल के बाद मेरे इस बिजनेस को खत्म कर देना है या मुझे इस बिजनेस के अंदर नुकसान हो जाएगा और मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी भी कोई भी बिजनेसमैन। सो टिप नंबर 1 है, नो योर व्हाई। यस, ओलिफ्लेम को ज्वाइन करने का रीजन क्या है, आप ओलिफ्लेम के प्लेटफॉर्म से क्या पाना चाहते हैं। आपको अपने क्लियर वाई के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करनी है। जब हम इसी से पूछते हैं कि आप ओलिफ्लेम से क्या पाना चाहते हैं तो लोग कहते हैं कि जी हमें बहुत सक्सेसफुल होना है। सो सक्सेसफुल की डेफिनेशन मेरे लिए कुछ और हो सकती है, आपके लिए कुछ और, किसी तीसरे के लिए कुछ और। तो आप कितना क्या पाना चाहते हैं, कितना पाना चाहते हैं, कितनी आप इनकम अर्न करना चाहते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जब हम लोगों से पूछते हैं कि आप कितनी अर्निंग करना चाहते हैं तो रिप्लाई आता है कि जी 50,000, 1,00,000 या अनलिमिटेड। तो उनसे मैं पूछती हूँ कि जब आपकी इतनी इनकम आनी शुरू होगी तो आप उस इनकम का करेंगे क्या? सबसे पहले आप अपने लिए क्या खरीदेंगे या उस इनकम से क्या करेंगे? तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपका बाइक क्या है ओलिफ्लेम में आने का, तो आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप अपने घर की रेनोवेशन करवाना चाहते हैं सबसे पहले, या आप कोई नए मॉडल की गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आप शोरूम में जाइए, उस गाड़ी के मॉडल को देखिए, उसके प्राइस पता कीजिए, उसकी सारी डिटेल्स को देखिए और ये सोचिए कि ये गाड़ी मेरी हो सकती है और ये मैं इंशाल्लाह जरूर परचेज करूंगा। अपने वाई को स्ट्रांग कीजिए और पावरफुल बनाइए और अपने एक क्लियर वाई के साथ ओलिफ्लेम के बिजनेस की शुरुआत कीजिए। तो टिप नंबर 2 है, मेक योर नेम बैक लिस्ट। यस, आप दुनिया में बहुत सारे लोगों को जानते हैं, लेकिन अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने इनसे बात की तो वो क्या सोचेंगे, ये क्या कहेंगे। तो मेरे कहने पर ये सोचे बगैर कि कौन क्या कहेगा, आप अपनी नेम बैंक लिस्ट बनाइए। आप अपने इनर सर्कल से आपकी ये नेम बैंक लिस्ट की शुरुआत होती है। जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली है, आप जितने भी लोगों को जानते हैं और उनको जो लोग जानते हैं, उन सभी की लिस्ट आप तैयार कीजिए। ये लिस्ट आपकी 200, 300, 500 तक की आप बना सकते हैं, और इसके लिए आप एक रजिस्टर, एक फ्रेश रजिस्टर, एक नोटबुक जो है वो आप इस बिजनेस के लिए आपके पास रखिए और उसमें ये नेम बैंक लिस्ट को बनाइए। नेम बैंक लिस्ट में कोई भी हो सकता है जिसको आप चाहते हैं, चाहे आप किसी क्लिनिक पे जाते हो, वहाँ किसी डॉक्टर या नर्स को जानते हो, तो उनको भी आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी ब्यूटिशियन को जानते हैं, किस पार्लर में आप जाते हैं, तो ब्यूटिशियन का नाम भी आपकी इस नेम बैंक लिस्ट में होना चाहिए। सो मेरे कहने पर ये सोचे बगैर कि कौन क्या कहेगा, इस लिस्ट को तैयार कीजिए। क्योंकि जैसा कि आप इसका नाम सुन रहे हैं कि नेम बैंक लिस्ट, तो बैंक में जितना पैसा आप डिपॉजिट करते हैं उतना ही पैसा तो आप निकलवाते हैं। सो इस बिजनेस में भी आपने इस लिस्ट में नेम्स को डिपॉजिट कराना है। सो टिप नंबर 3 है, कंप्लीट योर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। जब आप ओलिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं और ओलिफ्लेम की वेबसाइट को लॉगिन करते हैं तो आपके पास सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो है 16 ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। सो 16 ऑनबोर्डिंग स्टेप्स को आपने कंप्लीट करना होता है स्टेप बाय स्टेप। इसमें आपको अपने बिजनेस की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं इसके हवाले से गाइडेंस दी गई है, जिसमें वीडियोज भी आपको मिलेंगी, ऑडियोज भी, और कुछ रिटन मटीरियल। सो स्टेप बाय स्टेप इन बोर्डिंग स्टेप्स को आपने कंप्लीट करना है और जो जो गाइडेंस इसमें दी गई है उसको आपने इम्प्लीमेंट करते जाना है। ये 16 ऑनबोर्डिंग स्टेप्स आपने एक दिन में कंप्लीट नहीं करने होते, आपने स्टेप बाय स्टेप इनको कंप्लीट करना होता है अकॉर्डिंगली जो गाइडेंस इसमें दी गई है। ना कुछ लर्न करते जाए उसको आप नोट डाउन जरूर करते जाए, काम को सीखते जाइए, समझते जाइए और करते जाइए। क्योंकि जितना आप अपनी सक्सेस को लेकर सीरियस है उतना ही कंपनी भी सीरियस है और आपके लीडर्स भी सीरियस है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए हेल्प कर सके। टिप नंबर 4 है, मेक अ हैबिट ऑफ डेली रिक्रूटमेंट। हम सभी जानते हैं रिक्रूटमेंट इस बिजनेस की जान है। जितनी बड़ी टीम होगी उतना ही हम सक्सेसफुल होंगे, उतना ही हम ग्रो करेंगे। रिक्रूटमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए होते हैं और ये हमें ऑफलाइन और ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। सो रिक्रूटमेंट के लिए हमें करनी होती है ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग, और प्रोस्पेक्टिंग हम जैसे मैंने कहा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो हम वीडियोज अपनी अपलोड करते हैं या हम पोस्ट लगाते हैं और हमें जितनी लीड जनरेशन होती है ये हमारी प्रोस्पेक्टिंग कहलाती है। और ये जो लीड जनरेशन होती है ये एक फिल्टर का काम करती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम किसी मॉल में जाते हैं और हम बहुत सारी शॉप्स को विजिट करते हैं लेकिन हर शॉप से हम कुछ भी परचेज नहीं करते, चंद एक से परचेज करते हैं। यानी अगर 100 लोग उन शॉप्स पर जाएंगे तो क्या 100 के 100 लोग ही उस शॉप से जो है वो परचेज करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप कार शोरूम पर जाते हैं और क्या ऐसा होता है कि हम जाते ही कार को परचेज कर लेते हैं? ऐसा भी नहीं होता, हम पहले कार की प्राइस चेक करते हैं। इसी तरह से अगर 100 लोग कार के शोरूम पर जा रहे हैं तो क्या वो सभी लोग कार को परचेज करेंगे? नहीं, बहुत सारे लोग सिर्फ टेस्ट ड्राइव लेकर ही छोड़ देंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, हमें जब लीड जनरेशन होती है तो
बहुत सारे लोग हमें जो है वो यस बोलते हैं, अगर 100 लोग हमें यस कह रहे हैं तो हम 100 में से 10 लोग हमारी टीम को ज्वाइन करेंगे. सो बहुत यानी 90 लोग आपको नो कहेंगे. सो वो 90 लोग जो आपको नो कह रहे हैं वो उतना ही आपको आपके यस कहने वाले लोगों की तरफ लेके जाएंगे, राइट. सो आपने नो से घबराना नहीं है क्योंकि नो किसी भी बिजनेस का हिस्सा है. सो हमें डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है ताकि हमें डेली लीड जनरेशन हो, ताकि हमारी रिक्रूटमेंट भी डेली हो. टिप नंबर 5 है अटेंड ट्रेनिंग्स. यस, कोई भी उनके बिजनेस में ग्रो करने के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग्स को अटेंड करना, उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर आप उनकी फ्लेम में ग्रो करना चाहते हैं या इवन किसी भी बिजनेस में आप ग्रो करना चाहते हैं तो उसकी प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है. आपने देखा होगा अक्सर देखा देखी में लोग बिजनेस शुरू कर देते हैं लेकिन कुछ ही अर्से में उनका बिजनेस बंद हो जाता है क्योंकि उन्होंने उस बिजनेस के हवाले से प्रॉपर नॉलेज गेन नहीं की होती. तो ओरिजिनली में भी अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो डेली बेसिस पे 1 घंटा ट्रेनिंग्स को जरूर दीजिए. ये ट्रेनिंग्स आपको हमारे ऑफिशियल लेवल पर भी दी जाती हैं, आपके सीनियर्स भी आपको इन ट्रेनिंग्स को कंडक्ट कर रहे होते हैं, आपको डिजिटल के हवाले से ट्रेनिंग्स दी जाती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपने बिजनेस को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज के हवाले से आपको ट्रेनिंग दी जाती है और बहुत सारी डिफरेंट ट्रेनिंग्स आपके सीनियर्स ऑफिशियली आपको ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं. सो इन ट्रेनिंग्स को जरूर अटेंड. तो अपने आप से सवाल जरूर पूछिए कि अगर आप 1 लाख रुपए अर्न करना चाहते हैं या 5 लाख रुपए अर्न करना चाहते हैं तो क्या इतना पैसा अर्न करने के लायक आपने नॉलेज भी इकट्ठी कर ली है. अगर नहीं की है तो फिर डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स को लीजिए, उसको अपग्रेड कीजिए, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए, अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए. तो ये थी 5 टिप्स ओइकिन की बिजनेस को शुरू करने के लिए. तो जाते जाते मैं आपको एक और बोनस टिप देती जाऊं कि जब आप इस बिजनेस में आएंगे तो आपको हर तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे. कुछ एक्सपीरियंसेस जो आपको पॉजिटिव हो, जिनसे आपको खुशी मिलती हो, जिनसे आप मोटिवेट होते हो, उनको आप सभी के साथ शेयर कीजिएगा. लेकिन अगर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जो कि नेगेटिव हो, जिससे आपको खुशी ना मिलती हो, तो वो एक्सपीरियंसेस आपने सिर्फ अपनी अपलाइन के साथ, जो आपकी अपलाइन ग्रोइंग अपलाइन है, उनके साथ ही आपने शेयर करने हैं. अपनी डाउनलाइन के साथ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को शेयर ना कीजिएगा क्योंकि आपकी प्रॉब्लम से सोल्यूशन आपकी अपलाइन के पास है लेकिन जो डाउनलाइन है वो तो आपकी तरफ ही देखते हैं अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए. सो उनके पास आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा, इसीलिए आप अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अपनी अपलाइन के साथ ही डिस्कस कीजिएगा. और इसके अलावा जब आप शुरुआत में आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि ट्रेनिंग के बावजूद भी आपको क्लियर नहीं होती. तो आप अपनी अपलाइन, अपने लीडर्स के साथ इन कॉन्टेक्ट रहिए, उनसे सवाल पूछिए जो चीजें आपको नहीं समझ आती. सो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.